रफाल के मामले में दिसंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें कि सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे में जो सूचना दी उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हमारी अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा की तरफ से जो पिटीशन फाइल हुई थी जो कि इस पे एक कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन मांग रही थी कि इसकी कम से कम जांच होनी चाहिए क्योंकि इसमें जो भी तब तक सूचना बाहर आई थी उससे ये साफ था कि प्रधानमंत्री ने खुद इस फैसले को खुद ले लिया कि भाई 126 विमान के बजाय 36 विमान खरीदे जाएंगे, कि इसमें मेक इन इंडिया अब नहीं होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के फैक्ट्री में जो 108 विमान बनने थे वो नहीं बनाए जाएंगे, और इस 36 विमान के सौदे में 50% ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जो कि मुख्यतः अनिल अंबानी की कंपनी को दिए जाएंगे जिसका कोई इसमें तजुर्बा नहीं था, कोई हवाई जहाज़ बनाने का या रक्षा का कोई भी पुर्जा बनाने का, और जिसकी कंपनी सब कर्जों में डूबी हुई थी, और उसका दाम भी बढ़ा दिया गया। हवाई जहाज़ के जो दाम उस समय मनोहर पारिकर ने बोला था कि करीब एक एक हवाई जहाज़ 700 करोड़ का होगा, उसका बढ़ा के 1600 करोड़ कर दिया गया। तो उस पर हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से जांच मांगी थी, सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर के महीने में इसको खारिज कर दिया था, और इस आधार पर खारिज कर दिया कि जो सरकार ने उनको बताया अपने बंद लिफाफे में कुछ इन्फॉर्मेशन देकर। उस फैसले के बाद मीडिया ने, द वायर ने, कैरवान ने और खासकर द हिंदू ने कई स्टोरी पब्लिश करी जिसमें कि जो जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था सरकार की सूचना के आधार पर वो सारी चीज़ें झूठी पाई गई, जिसमें ये बात निकल कर आई कि प्रधानमंत्री का कार्यालय पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा था डेसॉल्ट कंपनी से, और जो इंडिया की जो नेगोशिएटिंग टीम थी उससे अलग हटके पैरेलल नेगोशिएशन करे जा रहे थे, और प्रधानमंत्री कार्यालय के दबाव की वजह से फ्रांस की सरकार से इसमें सॉवरेन गारंटी नहीं ली गई कि अगर हवाई पैसा हिंदुस्तान दे देता है और हवाई जहाज़ नहीं आते तो उसका भुगतान फ्रांस करेगा, क्योंकि इसको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील कहा गया था जिसमें कि सॉवरेन गारंटी विदेशी सरकार से ली जाती है। उसके अलावा उस कंपनी से, डेसॉल्ट कंपनी से गारंटी भी नहीं, बैंक गारंटी भी नहीं मांगी गई जो कि आमतौर पर मांगी जाती है, और बहुत सारी चीज़ें जो कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं जो कि कानून के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए, जैसे कि आर्बिट्रेशन, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका आर्बिट्रेशन हिंदुस्तान में होगा, जैसे कि उसमें एंटी करप्शन क्लॉजेस होते हैं कि भाई अगर कोई बिचौलिया उसके उसमें एम्प्लॉय किया डेसॉल्ट कंपनी ने तो फिर कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाएगा, अगर कोई कमीशन दिया उन्होंने किसी को तब भी कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाएगा और उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। ये सारी चीज़ें जो कि कानून के और रूल्स के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए सबको हटा दिया गया, और प्रधानमंत्री का जो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी जिसमें प्रधानमंत्री और दो और मंत्री होते हैं उनके फैसले से इन सब चीज़ों को हटा दिया गया। ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट से छुपाई गई, और ये भी छुपाया गया कि जो नेगोशिएटिंग कंपनी में तीन लोग जो कि प्राइस के बारे में एक्सपर्ट्स थे उन्होंने इस पर सख्त आपत्ति जताई थी कि इस हवाई जहाज़ का बेंचमार्क प्राइस 36 हवाई जहाज़ का 5.2 बिलियन यूरो से बढ़ाकर 8.2 बिलियन यूरो कर दिया गया, और उन्होंने और भी सारी चीज़ों पर आपत्ति जताई थी। ये सारी चीज़ें छुपाई गईं, गारंटी के बारे में, आर्बिट्रेशन के बारे में, एंटी करप्शन क्लॉज हटाने के बारे में,
सब कुछ के बारे में उन्होंने आपत्ति जताई थी, लेकिन ये सब भी कोर्ट से छुपाया गया। और इसलिए जब ये सब चीज़ें बाहर आईं तो हम लोगों ने एक रिव्यू पिटिशन फाइल करी और साथ में एक एप्लीकेशन फाइल करी कि जिन सरकारी अफसरों ने ये झूठी इन्फॉर्मेशन दी थी सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे में, उनको परजुरी के लिए यानी कि कोर्ट में झूठ बोलने के लिए, कोर्ट को गुमराह करने के लिए प्रोसिक्यूट किया जाए। उस एप्लीकेशन की और हमारी रिव्यू पिटिशन की जब सुनवाई हुई तो सरकार की तरफ से अटर्नी जनरल ने ये दलील दी कि इन दस्तावेज़ों को जो कि हिंदू और कैरवैन और वायर ने पब्लिश करे थे, जो कि सरकारी फाइलों में से निकाले गई थी इन्फॉर्मेशन, कि इसको तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में ले ही नहीं सकता क्योंकि ये सरकारी फाइलों से चुराए गए हैं। मतलब ऐसी दलील दी गई कि सरकार ने तो पहले झूठ बोल दिया अपने बंद लिफाफे में जो नोट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और जब उस झूठ का पर्दाफाश हुआ हिंदू के दस्तावेजों के द्वारा या वायर या कैरवान के दस्तावेजों के द्वारा, तो सरकार कहती है कि इन दस्तावेजों का संज्ञान कोर्ट ले ही नहीं सकता। और उस पर पूरे दिन बहस करी अटर्नी जनरल ने, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था, आज वो फैसला दिया गया है और तीन जजों ने यूनैनिमसली सरकार की दलील और अटर्नी जनरल की दलील को खारिज कर दिया है और बोला है कि नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स अगर रेलेवेंट हैं तो ज़रूर हम इनका संज्ञान लेंगे, ज़रूर हम इनको देखेंगे, और अब हम रिव्यू पिटिशन और जो हमारी एप्लीकेशन है सरकारी अफसरों के खिलाफ परजुरी की, उसको हम लोग अब कंसिडर करेंगे। तो अब इसकी सुनवाई शायद जल्दी होगी, लेकिन ये सारी चीज़ें ये साफ जाहिर करती हैं कि इस सौदे में कितनी बेईमानी हुई। कि जब सरकार ये कह रही है कि सरकार की फाइलों में जो चीज़ लिखी गई हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट नहीं देख सकता, पहले तो उन्होंने छुपाई, झूठी सूचना दी सुप्रीम कोर्ट को, और फिर सरकार ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट इसको देख ही नहीं सकता, सच्चाई यानी देख ही नहीं सकता कि सरकार ने इसमें से एंटी करप्शन क्लॉजेज उड़ा दिए, कि अब डसॉल्ट कंपनी बिचौलिए लगा ले, कमीशन दे दे उनको, और फिर भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, कोई उनसे गारंटी लेने की जरूरत नहीं है कि उनको पैसा दे दिया गया हमारा हजारों करोड़ रुपया और वो हवाई जहाज भी ना सप्लाई करें, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता। आर्बिट्रेशन भी हिंदुस्तान में नहीं रखा गया जबकि सारे रूल्स ये कहते हैं। और ये सब प्रधानमंत्री कार्यालय और कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, जिसको प्रधानमंत्री हेड करते हैं, उनके द्वारा किया जा रहा था। और फिर मोदी जी ये दावा करते हैं कि नहीं, इसमें तो कोई बेईमानी हुई नहीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट आ गई और सीएजी की रिपोर्ट के बारे में भी बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया, नवंबर के महीने में यह बताया गया कि सीएजी की रिपोर्ट आ गई है और उसमें से प्राइसिंग डिटेल्स उड़ा दिए गए हैं और उसको सार्वजनिक भी कर दिया गया है, जबकि यह सब कुछ नहीं हुआ था। तब तक तो सीएजी की जांच शुरू हुई थी, कोई रिपोर्ट नहीं आई थी, लेकिन फिर भी ये बात कह दी गई। और बाद में जब ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बात लिख दी और लोगों ने बताया कि भाई सीएजी की तो कोई रिपोर्ट आई नहीं है, तब सरकार ने ये बोला कि नहीं, हमारा मतलब था कि सीएजी की रिपोर्ट आएगी उसमें और वो पीएसी के सामने रखी जाएगी, उसको पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, उसको सार्वजनिक उसके बाद किया जाएगा और उसमें से प्राइसिंग डिटेल्स उड़ा दिए जाएंगे। ये सरकार ने कैसे कह दिया कि प्राइसिंग डिटेल्स उस सीएजी के रिपोर्ट से उड़ा दिए जाएंगे? आज तक कम से कम 100 रक्षा सौदों की जांच सीएजी कर चुका है, एक सौदे में भी, एक रिपोर्ट में भी प्राइसिंग डिटेल्स कभी नहीं उड़ाए गए 65 साल में। पहली बार रफाल के सौदे से जब सीएजी की रिपोर्ट आई तो प्राइसिंग डिटेल्स उड़ा दिए गए। अब सरकार को 3 महीने पहले कैसे पता लग गया? अनलेस की
सीएजी को भी इलेक्शन कमीशन की तरह, सीबीआई की तरह, सीबीसी की तरह एक सरकारी तोता बना दिया गया है, जो सरकार चाहे वो कह दे। और इस आधार पर मोदी जी ये दावा कर रहे थे कि नहीं नहीं राफेल सौदा तो सब बिल्कुल ठीक है, हम उसका कोई जवाब नहीं देंगे, हम उस पर कोई डिबेट नहीं करेंगे, कोई जांच नहीं होने देंगे, जेपीसी के सामने नहीं जाने देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि सब ठीक है। अब तो ये बात खुलकर आ गई कि सुप्रीम कोर्ट को झूठी इन्फॉर्मेशन दी गई, उस झूठी जब वो झूठी इन्फॉर्मेशन बाहर आई तो उसको छुपाने की कोशिश करी गई, सीएजी की रिपोर्ट सरकार ने लिखवाई, इसीलिए सरकार को 3 महीने पहले पता था कि सीएजी अपनी रिपोर्ट में क्या लिखेगा, और उस आधार पर ये चाहते हैं कि कोई निष्पक्ष जांच ना हो पाए। ऐसे सौदे में जिसमें प्रधानमंत्री ने खुद हस्तक्षेप करके मेक इन इंडिया ख़त्म कर दिया, एयरफोर्स की कमर तोड़ दी, 126 हवाई जहाज उनको चाहिए थे उसको हटाकर सिर्फ 36 कर दिया, हवाई जहाज का दाम 2.5 गुना कर दिया, और फिर कहते हैं कि कोई बेईमानी हुई नहीं। इतनी बड़ी बेईमानी जिससे कि हमारी पूरी सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ है, आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुई। बोफोर्स तो सिर्फ 64 करोड़ कमीशन का मामला था, इसमें तो 30,000 करोड़ ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि अंबानी को दिए जा रहे हैं, जो कि कमीशन के तौर पर हैं। और उसके अलावा आपने हमारे एयरफोर्स की रीढ़ तोड़ दी, 126 के बजाय 36 कर दिए, सारा मेक इन इंडिया आत्मनिर्भरता उस पे से हिंदुस्तान की ख़त्म कर दी, और आप कह रहे हैं कोई जांच नहीं होने देंगे।